नमस्कार, मैं विलास आड़े, डीटी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक मराठवाड़े के ऐसे गांव की कहानी बताएंगे जो गांव पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहता है। इस गांव में पानी का एटीएम बना हुआ है। 10,000 की आबादी वाले इस गांव के अंदर में स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर है और जितने भी सरकारी बाबू है वो बायोमेट्रिक सिस्टम के माध्यम से यहाँ पर ड्यूटी करते हैं। यहाँ पे किसी प्रकार का वाद विवाद भी नहीं होता है। गाँव का माहौल बेहतरीन अच्छा है और गाँव में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है। इस गांव ने एक निर्णय लिया है। गांव में 10 से भी ज्यादा मंदिरों की संख्या है, वीआर है, मस्जिद है। गांव में लाउड स्पीकर के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण हुआ करता था, लेकिन ग्राम पंचायत ने एक ग्राम सभा लेकर एक ऐसा क्रांतिकारी निर्णय लिया है जिसकी वजह से यह गांव तमाम मराठवाड़े के अखबारों में सुर्खियों में छाया हुआ है। इस गाँव ने यह निर्णय लिया है कि गाँव में जितने धार्मिक स्थल है उनके ऊपर जो लाउड स्पीकर है जिसकी वजह से ध्वनि प्रदूषण होता है, जिसका खमियाजा यहाँ के विद्यार्थियों को, आम नागरिकों को और बुजुर्गों को भुगतना पड़ता है, उसको यहाँ से हटाने का निर्णय लिया है। गांव के सहमति के बिना पूरा कोई कदम नहीं उठाया जा सकता, इसलिए पूरे गांव ने तमाम ग्राम सभा के माध्यम से इन लाउड स्पीकर को हटा दिया है। अब ये गांव स्मार्ट विलेज के दहलीज पर कदम रख चुका है। आइए देखते हैं डीटी न्यूज इंडिया की स्पेशल रिपोर्ट। मराठवाड़े के नांदेड़ जिले का बारड़ ऐसा एकलौता गाँव है जिसने ग्राम सभा के माध्यम से धार्मिक स्थलों पर दिन रात ध्वनि प्रदूषण करने वाले लाउड स्पीकर हटा दिए गए है। इस क्रांतिकारी निर्णय के पहले सभी धर्मों के नागरिकों से सलाह ली गई थी। सर्वसहमति से इस निर्णय को लिया गया है। बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के इस निर्णय को लिया गया है। 10,000 की जनसंख्या वाले इस गांव में सभी धर्मों एवं जाति वर्ग के लोग रहते हैं। गन्ना, केला एवं हल्दी के फसलों के उपज के लिए ये गांव मशहूर है। कृषि क्षेत्र में हो रहे नए तकनीकी बदलाव की झलक इस गांव में देखी जाती है। पूरा गांव कृषि के माध्यम से आर्थिक संपन्न हुआ है। गांव के हर चप्पे चप्पे पर 2400 घंटे सीसीटीवी कैमरे की नजर होती है, जिससे गांव में किसी भी आपराधिक घटना नहीं घटती, बल्कि खुले में शौच करने वाले की संख्या बिल्कुल जीरो हो गई है। जगह जगह पर स्पीकर लगे हैं, जिससे किसी भी सरकारी योजना की जानकारी इसके माध्यम से गांव वालों तक पहुंच जाती है। ग्राम पंचायत में बायोमेट्रिक सिस्टम लगा होने से सभी सरकारी बाबू नियमित रूप से दफ्तर में अपनी ड्यूटी निभाते हैं। गांव में अचानक किसी की मौत हो जाती है तो शोक धुन बजाकर गांव को आगाह किया जाता है। गांव के सरपंच एवं तमाम युवकों ने इस गांव को सर्वश्रेष्ठ बेहतरीन स्मार्ट विलेज बनाने की ठान ली है। मुदखेड़ से बन्नी चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीटी न्यूज इंडिया। गाँव के सब जाति धर्म के लोगों को 30 तारीख के 8 दिन पहले से हम लोगों को बताए कि भाई ये इसका नुकसान क्या होने वाला है, इसका क्या फायदा और नुकसान बताए। सब हर जात धर्म के प्रमुख लोगों से बातचीत हुई, तरुण लोगों से बातचीत हुई। सब लोगों ने उसको रिस्पांस देने के बाद ही हम 30 तारीख को जो ग्राम सभा लिए, उस ग्राम सभा में इसका हम जो इसके जो ग्राम सभा में ये पारित कर दिए। तो क्या क्या गाँव में बुनियादी सुविधा है? बुनियादी सुविधा ये गाँव में हमारे यहाँ ग्रामीण रुग्णालय है, पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, बैंक है, SBI बोल के बड़ी बैंक है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट के जो फैसिलिटीज, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के, हर चीज फैसिलिटीज है यहाँ पे। महाराष्ट्र में पहली ग्राम पंचायत है जिसमें बायोमेट्रिक सिस्टम लगा है। हाँ, तो ये क्यों लगाया गया है सर, क्या कारण? जो अभी जो स्टेट गवर्नमेंट के जो भी कर्मचारी वर्ग है उनके अगर गाँव में टाइम पे आना, टाइम पे स्कूल के बारे में हो या आंगनवाड़ी के बारे में हो, जो भी स्टेट गवर्नमेंट के जो कार्यालय है, वो जो कर्मचारी है टाइम पे आना, इस हद तक वो इसलिए ये लगाया गया और ये प्रायोगिक तत्व कर लगाया वाला है। तो सफाई को लेकर क्या खास ध्यान दिया जाता है? सफाई के बारे में हमारे ग्राम पंचायत की ओर से 2 घंटा गाड़ी है यहाँ पे और हमारे पास 5 महिला है और 5 कर्मचारी जेंट्स है जो हर रोज के लिए नाली सफाई काम करते हैं, रास्ता सफाई काम करते हैं और जो घंटा गाड़ी है गांव के हर मोहल्ले में घूमती है। पेयजल की पूरे हर गांव में हर तबके तक पानी मिलता है पेयजल। और यहां पे हम ग्राम पंचायत की ओर से RO सिस्टम, ATM RO सिस्टम बिठाए वाला है और जो ATM है वो 5 रुपये में कार्ड
₹5 में 20 लीटर ये देहात के लोगों को मिलता है। मंदिर संख्या 10 है, मस्जिद की संख्या 1 है और बौद्ध विहार हमारे पास 2 है। और ये मस्जिद मंदिरों के ऊपर जो लाउड स्पीकर लगाए हुए थे, इसके वजह से यहाँ पे बच्चों को पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता था, पढ़ाने वालों को ध्यान नहीं लगता था और गांव में हर डिस्टर्ब होता था। हर चीज़ में कोई देहात के अंदर कुछ प्रोग्राम रहता था तो सब डिस्टर्ब होता था। इस वजह से पूरे देहात के लोगों ने निर्णय लिया कि भाई ये गाँव में अपनी शांतता भंग हो रही है, कुछ अलग अलग कुछ तबके के लोगों को अलग अलग सोच कर रहे थे। इस वजह से गांव के लिहाज से आगे चल के फ्यूचर में कुछ तकलीफ नहीं होना, पढ़ाई लिखाई में कुछ तकलीफ नहीं होना, इस वजह से 30 तारीख को ही हम लाउड स्पीकर निकालने का निर्णय लिया। जो निर्णय जो लिया है हर जाति धर्म के लिए बहुत अच्छा निर्णय है। क्या तमाम सारे जाति धर्म के लोगों को विश्वास में रखकर ग्राम पंचायत ने निर्णय लिया? जी हाँ, सब धर्म के लोगों को बुला के बैठक लेके उनके विचार विनिमय से ये काम किया गया है। मंदिर है इस गांव में, पूरे समाज मंदिर 2 है और अलग अलग समाज के भी नियोजित स्थल है वहाँ, अने जगह दी गई है, वह भी कार्यक्रम होते हैं उनके। ये बहुत जरूरी निर्णय था क्योंकि ये दबकी आवाज में जो चर्चा थी उसका एक युवकों ने जब प्रस्ताव लाए और पंचायत में जब चर्चा हो रही थी, इनका जब मेल मिलाप ग्राम सभा में हुआ तो एक इंस्टेंट निर्णय था कि जिसमें कहा गया है कि मस्जिद हो, मंदिर हो, देवी हो, शिवालय हो, इन सब जगहों से जो बार बार यानी कभी कीर्तनों के लिए, प्रवचनों के लिए या अजान के लिए या देवी की आरती के लिए कि जो भी बार बार माइक बजते हैं, चलते हैं, इसकी वजह से बच्चों पे, बुजुर्गों पे और एक धार्मिक टेढ़ का वातावरण या मन कुल्पित होने की ओर बढ़ रहा था, ये सबके ख्याल में आया तो ये धार्मिक सौहार्द बना रहे, इसलिए ये निर्णय लिया गया। और जो हमारे गांव में मंदिर, पूरे विठल मंदिर है, महादेव मंदिर है, बौद्ध विहार है, इसमें जो भोंगे लगाए वाले थे वो, उससे हमारे छोटे बच्चे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। ये जो उनकी पढ़ाई अभी एग्जाम के पीरियड है, उनको बहुत तकलीफ जा रही थी। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.dtnewsindiaonline पर लॉगिन कर सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी खास खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। ये है DTV न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं DT न्यूज इंडिया।